Good evening guys. Today we are going to study a topic. Name of the topic is subject plus verb plus concord. सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये जो वर्ड कॉन्कॉर्ड है इसका मतलब क्या होता है. सब्जेक्ट तो दिख रहा है कि ये सब्जेक्ट है, वर्ब तो दिख रहा है कि ये वर्ब है, लेकिन ये कॉन्कॉर्ड क्या है? तो कॉन्कॉर्ड का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है agreement. जब आप सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉन्कॉर्ड लिखा होता है, और जैसे ही आप बिहार बोर्ड का सिलेबस चेक करेंगे तो उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एग्रीमेंट लिखा होता है. ये एक टॉपिक है जो कि आपके 10th में भी आता है और आपके 12th में भी आता है. 4 से 5 नंबर के क्वेश्चंस आपको आते हैं वर्ब फिल करने के लिए. इसमें मेन होता है कि किस प्रकार के सब्जेक्ट के अनुसार किस प्रकार का वर्ब एप्लीकेबल होता है. ऐसा कौन सा सब्जेक्ट होगा तो हम लोग किस प्रकार का वर्ब हम लोग वहां यूज करेंगे. बेसिक हम लोग सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट का मतलब होता है सहमति. तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक एग्रीमेंट हम लोग कराते हैं जिसकी मदद से हम लोग एक वाक्य बनाते हैं. एक वाक्य को बनाने के लिए वैसे कई एक वर्ड्स को मिलाकर के एक वाक्य बनाया जाता है. आप लोगों को पता है कि हम लोग कई एक वर्ड्स को मिलाकर के एक वाक्य बनाते हैं, लेकिन जब हम लोग वर्ड्स मिलाते हैं जैसे RAM राम, EATS इट्स, ए मैन. यहां पे मैंने एक वर्ड राम है, एक वर्ड इट्स है, एक वर्ड ए है, एक वर्ड मैंगो. अब यहां पे इतने सारे वर्ड्स को जब मैंने मिलाया तो ये क्या बन गया, एक सेंटेंस बन गया. ये बन गया एक सेंटेंस. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहां पे जो सब्जेक्ट राम है इसके साथ जो हमारा वर्ब इट्स एप्लीकेबल हुआ है, ये कैसे हुआ है? यही तो हम लोगों को पढ़ना है सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट में, कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जो एग्रीमेंट होता है वो कैसे होता है. जैसे हमारे और स्टूडेंट्स सपोज करिए कि मैं टीचर हो गया आपका सब्जेक्ट और आप लोग स्टूडेंट्स आप लोग हो गए हमारे वर्ब. तो हमारे और आपके बीच में जब तक एग्रीमेंट नहीं होगा ना मैं पढ़ा पाऊंगा और ना ही आप लोग पढ़ पाएंगे. तो उसी प्रकार से हमारे और आपके बीच में एग्रीमेंट के कुछ रूल्स होते हैं. वो रूल्स क्या होते हैं? वो रूल्स होते हैं कि आपको डिसिप्लिन में बैठना चाहिए, मैं आपको बोलू लिखो तो लिखना चाहिए, मैं आपको बोलू समझो तो समझना चाहिए. उसी प्रकार से सब्जेक्ट और वर्ब में एग्रीमेंट के भी एक रूल होते हैं, और वो रूल है SSPP. अब आप लोग देख रहे होंगे कि ये SSPP क्या होता है. तो ये S का मतलब होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, और ये S का मतलब होता है सिंगुलर वर्ब. ये P का मतलब होता है प्लूरल सब्जेक्ट, और ये P का मतलब होता है प्लूरल वर्ब. यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं. ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, और ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब. तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का हम लोग प्रयोग करते हैं. अभी क्या इतना जान लेने से हम लोग एक सेंटेंस बना लेंगे? मुझे नहीं लगता है. अभी आप लोगों को जानना पड़ेगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर वर्ब क्या होता है, प्लूरल वर्ब क्या होता है. तो इससे पहले कि मैं आप लोगों को इनके सिंगुलरिटी और प्लूरलिटी के बारे में बात करें, मैं आप लोगों को इसके बारे में मैं बताऊं, पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि सब्जेक्ट और वर्ब क्या होता है. ओके गाइस, तो आइए अब हम लोग सीखते हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब क्या होता है.
अब देखिए ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। आइए सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट के डेफिनेशन के बारे में जानते हैं। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। इसका जो डेफिनेशन होता है वो होता है वन हु डज वर्क इन एनी सेंटेंस। किसी भी वाक्य में जो किसी कार्य को करता है वही तो हमारा सब्जेक्ट होता है, वही हमारा सब्जेक्ट। ये तो डेफिनेशन हो गया। अभी कभी मान लीजिए आप अगर डेफिनेशन आपके दिमाग से स्किप कर गया तो आपके पास एक ट्रिक भी है। आप इस ट्रिक की मदद से आप किसी भी वाक्य के सब्जेक्ट को पहचान सकते हैं। वो ट्रिक क्या है? वो ट्रिक है हु का मतलब कौन। जैसे ही आप किसी भी वाक्य में हु पुट करेंगे सब्जेक्ट अपने आप आकर आपके पास खड़ा हो जाएगा और कहेंगे देखो भैया यही सब्जेक्ट है, मैं ही सब्जेक्ट हूं। एग्जाम्पल, जब मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दूंगा तो आप लोगों को एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे अनिल माथुर टीचर्स अस इंग्लिश। अब यहां पे अनिल माथुर हम लोगों को अंग्रेजी पढ़ाते हैं। अभी मान लीजिए इस ट्रिक से हम लोगों को इसमें पहचानना है कि इसमें सब्जेक्ट कौन है। तो जैसे ही आप इसमें हु पुट करेंगे एक आंसर मिलेगा, कौन हम लोगों को अंग्रेजी पढ़ाता है। तो आंसर क्या मिल रहा है? आंसर मिल रहा है कि अनिल माथुर। तो हमारा यहां पे सब्जेक्ट हो गया अनिल माथुर। अभी आप लोगों को यह लगेगा कि सर इतना आसान सा और इतना छोटा सा सेंटेंस दे करके आपने तो निकाल लिया कि यहां से ये सब्जेक्ट होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं जो एकदम जिलेबी की तरह घुमा हुआ होता है। अब आपको पता ही नहीं चलेगा कि उसमें सब्जेक्ट क्या है। अब वैसे सेंटेंसेस में क्या ये ट्रिक एप्लीकेबल है? हाँ जी हाँ, वैसे सेंटेंसेस में भी ये ट्रिक एप्लीकेबल है। अभी एक बड़ा ही टेढ़ा मेढ़ा सेंटेंस हम आप लोगों के सामने अभी पेश करने वाले हैं। सेंटेंस है 1947 की आजादी में भारत को आजाद कराने के लिए महात्मा गांधी ने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। जरा इसमें बताइए कि कौन सा सब्जेक्ट है। तो 1947 की आजादी में भारत को आजाद कराने के लिए महात्मा गांधी ने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। तो 1947 की आजादी में कौन लड़ा? मेरे दादाजी आए थे? नहीं, महात्मा गांधी आए थे लड़ने के लिए। तो 1947 की आजादी में महात्मा गांधी आए थे लड़ने के लिए, कौन लड़ा था? महात्मा गांधी। तो हमारा सब्जेक्ट के जैसे ही मैंने कौन लगाया एक सब्जेक्ट मिला और वही तो सब्जेक्ट हमारा, वही नाम जो हुआ वो हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से हम किसी भी वाक्य के सब्जेक्ट को बाहर निकाल सकते हैं। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब आइए हम लोग वर्ब पे बात करते हैं कि ये वर्ब क्या है। ये देखिए ये वर्ब। वर्ब का मतलब होता है क्रिया, क्रिया का मतलब होता है कार्य, कार्य का मतलब होता है वर्क, वर्क का मतलब होता है एक्शन, और एक्शन ही तो हमारा वर्ब है। वर्ब मतलब क्रिया, क्रिया मतलब कार्य, कार्य मतलब वर्क, और वर्क मतलब एक्शन। कहते हैं ना कि अगर कोई चीज भारी हो तो उसको हल्का करने के लिए क्या करो? उसको तोड़ दो, कई एक टुकड़ों में तोड़ दो, हल्का हो जाएगा। अभी 50 किलो वजन है, बहुत भारी आपके लिए, आप क्या करो? उसको तोड़ दो, 20-20 किलो का, 25-25 किलो का, उसको डिवाइड कर दो, 10-10 किलो का डिवाइड कर दो। जितना ज्यादा भाग में तोड़ोगे तुम्हारे लिए उतना ही ज्यादा आसान होगा। उसी प्रकार से मैंने वर्ब को यहां तोड़ दिया। जैसे ही मैंने तोड़ा तो हमको पता चला कि अरे ये तो कार्य है। वर्ब क्या है? वर्ब तो कार्य है, यानी कि वर्क है, और यही वर्क हमारा वर्ब है। इसके यहां से एक डेफिनेशन काम करता है, एन एक्शन ऑफ एनी सेंटेंस इज कॉल्ड
वर्ब एंड एक्शन ऑफ एनी सेंटेंस इज कॉल्ड वर्ब. सो किसी भी वाक्य की एक्शन को हम लोग वर्ब कहते हैं. इसका भी एक छोटा सा ट्रिक होता है. नाउ हंसना, खेलना, उठना, बैठना, रोना, पीना, चलना, टहलना, मरना, जीना, सबके अंत में क्या आ रहा है? ना आ रहा है. अगर ना है तो वो वर्ब है. तो क्या केवल ना रह जाने से वर्ब हो जाएगा? मुझे नहीं लगता है कि केवल ना हो जाने से वो वर्ब हो जाएगा. अगर वाकई में केवल ना हो जाने से वर्ब होगा तो फिर नाना भी तो वर्ब होना चाहिए, तो फिर पटना भी तो वर्ब होना चाहिए. लेकिन नहीं, नाना वर्ब नहीं है. नाना तो एक नाम है, पटना वर्ब नहीं है, पटना तो एक नाम है. तो हमारा ना के साथ साथ इसमें वर्ब क्या होना चाहिए? इसमें वर्ब होना चाहिए. यानी कि ना भी हो और उसमें वर्ब भी हो. अब एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे पढ़ना, चरना, हंसना, खेलना, इन सब में क्या आ रहा है? ना भी आ रहा है और वर्ब भी आ रहा है. इसलिए ये सब क्या हो गया? ये वर्ब हो गया. तो ये हो गया हमारा वर्ब को पहचानने का ट्रिक. अब हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर वर्ब क्या होता है और प्लूरल वर्ब क्या होता है, और इन दोनों के बीच में किस प्रकार से SSPP के द्वारा एग्रीमेंट बनाया जाता है ताकि एक सही सेंटेंस का निर्माण हो सके. थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच. आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए और अगले वीडियो का इंतज़ार करिए. इसी प्रकार से अनिल माथुर आपके सामने दूसरा वीडियो लेकर आएंगे सब्जेक्ट वर्ब के बीच में एग्रीमेंट करा करके एक सही सेंटेंस बनाने के लिए. थैंक यू.